नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेपाक राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का नारा है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। लेकिन क्या आपको लगता है इस नारे का मान पुलिस रख भी पा रही है? क्या जनता को न्याय और सुरक्षा मिल पा रही है? क्या वाकई अपराधियों में खौफ है? वागड़ पुलिस को कटघरे में खड़े करते बीएपी विधायक राजकुमार रोथ ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, डूंगरपुर के कुआं थाना पुलिस के कार्यशैली के खिलाफ 84 से बीएपी विधायक राजकुमार रोथ रविवार को थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक राजकुमार ने कुआं थाना पुलिस पर अपराधियों के साथ मिलकर अपराधियों की जगह आमजन में भय पैदा करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलने तक वो धरने पर बैठे रहने की चेतावनी भी दे बैठे। बीएपी विधायक राजकुमार रोथ ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मतदान की पूर्व रात्रि 25 अप्रैल को हुकुमचंद नाम के व्यक्ति के साथ पूर्व प्रधान महेंद्र बड़जोड़ और उसके सरपंच पुत्र अरुण ने मारपीट की थी। कार को नुकसान पहुंचाया, किसी तरह हुकुमचंद जान बचाकर वहां से भाग गया। वहीं पीछे से कुआ पुलिस थाने के कांस्टेबल की मौजूदगी में कार में अवैध शराब भर दी गई। बाद में शराब तस्करी का झूठा केस दर्ज करवा दिया। वहीं पूर्व प्रधान और उसके पुत्र द्वारा उनके पक्ष में मतदान नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में पीड़ित की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई थी। वहीं एसपी को भी परिवाद दिया था, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार ने कई बार थाने के चक्कर काटे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इस मौके पर विधायक राजकुमार ने कुआं थाना पुलिस पर अपराधियों के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, तब तक वे थाने के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। परिवादी लोग लगभग एक महीने से इधर इधर भटक रहे, लगभग 15 बार थाने में आ गए हैं, लगभग इनके साथ मारपीट हुई, आज तक तहरीर नहीं दी गई है। एक प्रकरण में घर पे जाके उसी रात को एक घर वाले आदमी को इसके साथ मारपीट की थी और इसके साथ मारपीट की पूरा परिवार आज 24 अप्रैल से लगा के आज तक उसके घर पे नहीं सो रहा। तालाब इतना खोप बना रखा है कि ताला बंद करके वो आदमी ये पूरा परिवार सहित बूढ़ी माँ है, छोटे बच्चे हैं, सारे को लेके उनके रिश्तेदारों में रह रहा है।